ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग बेटा। आप देखिए, मैंने आपको बताया था खाना भोजन, और भोजन बताया था क्या कहते हैं, भोजन शक्ति देता है, भोजन से शक्ति मिलती है, भोजन से हम बढ़ते हैं, भोजन हमको शक्ति देता है, भोजन ही सब कुछ है, भोजन से सब होता है, बिन बिन भोजन कुछ न हो। अगर भोजन नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और सब हो जाएंगे। तो दैट स्पाइरल एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, क्लास 5th चैप्टर 6 पार्ट 3rd, आज डेट अब जानी रहे, अन्नम पार्वम स्वरूपम स्वरूपम, डोंट वेस्ट फूड, डोंट वेस्ट फूड एंड शेयर इट। खाने को खराब मत करिए, आपस में मिल बांट के खाइए, इसे कहते हैं डोंट वेस्ट फूड एंड शेयर इट, राइट, शेयर इट। चलिए, काजेज आती स्पॉइलेज, खाना क्यों बर्बाद होता है, खराब होता है, तो कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ स्पॉइलेज बेटा, पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहला रीजन है। सेकेंड एंजाइम्स, और थर्ड रीजन है बेटा, हार्ट, डार्क, अनक्लीन्ड प्लेसेस। इफ इट इज किप, अगर सामान खराब जगह पे रखा गया है, जहाँ गर्मी है, खुला है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, सो दैट ये खराब हो जाएगा। और लास्ट वन, दैट इज लास्ट वन क्या हो सकता है, रैट, माउस, चूहे एंड कॉकरोच, राइट। सो दैट इज इट, ये चार रीजन्स हैं, दैट वाई द फूड इज गोइंग वेस्ट, खाना क्यों बर्बाद होता है, रीजन है। तो मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप देख दीजिए, नाउ दिस इज द समर सीजन, गर्मी है, अगर सम अमाउंट ऑफ द पल्सेस आर करी आर जूसी वेजिटेबल्स रिमेनिंग, बच गया, एंड योर मदर हैज टू फॉरगेट टू कीप इन रेफ्रिजरेटर इन द मॉर्निंग पीरियड, यू विल सी दैट सम बबल्स विल बी इन दैट, एंड दैट इज ड्यू टू दी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के रीजन से होते, कारण होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो ऐसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया जो यूजफुल है, जैसे आपके दही में तो लैक्टोबैसिलस, वो तो चले ठीक है। अभी हम आपकी आपके और इतनी बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, राइट। एंड दिस टाइम इफ इट इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एंड चिल्ड आफ्टर सम डेज, दैट हैड टू बी, यू हैव टू दी वेरी, दैट इज सिल्की वाइट अपीयरेंस, खुला हुआ है, उस पर आप देखेंगे से फफूंद यानी फंजाई विल बी डेवलप्ड ऑन दैट। नाउ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। टाइम देखिए, टाइम
and ripening of fruits, and the that is apple and all that. Okay, apple and all that, banana, apple, mango, guava. After some time, it will be hard. At first, will be hard, and gradually will be soft. Its color changes also. Then you will see, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो केला जो है पक कर करके और लूज होता जा रहा, मुलायम होता जा रहा. एक टाइम आएगा, इफ इट इज नॉट स्टोर्ड वेल, अगर सही नहीं रखा गया है तो बेटा जानते हैं क्या हो जाएगा, वो उस सड़ करके काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. अगर कहीं आपने फ्रेश बनाना, रिपेन बनाना को, बनाने केले को रख दिया तो क्या हो जाएगा, केला सड़ जाएगा, डांट खाएंगे. इसलिए आम भी है, आम भी आप देख रहे हैं नाउ इन द मार्केट अवेलेबल. सो दैट इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया है, दे वेरी बैडली स्पॉयल द फूड, खाने को बर्बाद करते हैं. एंजाइम्स, मैंने बताया कि एंजाइम्स सारे फ्रूट्स में होते हैं, दैट्स व्हाई इट हेल्प इन द राइपनिंग द फ्रूट, जिससे फल पकता है. अगर वो एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है, इफ टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो रेपनिंग फास्ट विल बी फास्ट. एंड आफ्टर बींग रिपेंड द फ्रूट, जब फल पक जाएगा तो धीरे धीरे क्या एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे. और बेटा एंजाइम्स एक्टिवेट होने से और भी उसके जो चेंज होने रहेंगे, और इसमें आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो चेंजिंग हो जाएगा, साफ हो जाएगा और सड़ जाएगा. इसे स्पाइस कहते हैं. अब थर्ड रीजन, हार्ट. अगर गर्मी है, डार्क अंधेरा है, अंधेरे में बहुत सारे इंसेक्ट्स वॉर्म्स में डेवलप, एंड अनक्लीन गंदी जगह पर रखा गया है, तो अगर ये गंदी जगह पर रखा गया है तो सर्टेनली द फूड आइटम विल बी स्पॉइल्ड. नाउ रैट, माउस, कॉकरोच, चूहे, जानते हैं घर में दौड़ते रहते हैं, काट डालेंगे, पल्स काट देंगे, कपड़े काट देंगे, और चूहे और काकरोच भी, तो दे हैव टू स्पॉइल द फूड, ये खाने को बर्बाद करते हैं. अब रीजन इज टू, अब हम प्रिजर्व क्यों करें, वाई डू प्रिजर्व, हम क्यों सेव करें, वाई डू वी प्रिजर्व फूड, हम खाने को क्यों बचाएं. वी हैव टू प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर यूज. ज़्यादा समय तक हम लोग क्या बोलते हैं उसे यूज कर सकें. सेकेंड, एक्सपायरी डेट्स बेटा, एक्सपायरी डेट भी देख लीजिए. एक्सपायरी डेट से अगर आपसे बात कंजम्पशन होता है, दैट विल बी हार्मफुल, ये आपके लिए नुकसान होता है. इसीलिए चाहे मेडिसिन हो, खाने की चीज़ों हो, तो पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट्स आर गिवन. रीजन इज दैट, यही कारण है. तो वी हैव टू वेरी क्लोजली, हमें सावधान रहना चाहिए ये एक्सपायरी डेट्स. अब नाउ दैट इज ओके, मैंने लिखा है बेटा, मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई रिटन, आपके को व्हाई डू प्रिजर्व फूड, बहनों आपके हम भोजन को क्यों सेव करते हैं, फॉर लॉन्गर यू, एक्सपायरी डेट्स मस्ट बी चेक, एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में बेटा लाखों लोग अभी भी, येट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, सबको फ्री अनाज दे रही, सब दे रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है. दे आर नॉट गेटिंग द टू स्क्वायर मील्स येट. मिलियंस ऑफ
millions of tons food or material going to waste every year. बेटा हर महीने लाखों टन अनाज एंड कुक्ड फूड इज वेस्ट. नाउ व्हाट वी शुड डू, हमें करना क्या है. अप टू आवर लेवल अगर हम सारे लोग जागरूक हो जाएं, वी हैव टू बी कॉन्शियस, हम इसे जग जाएं कि हमें एक आधी रोटी भी नहीं बर्बाद करनी है, टू स्पून राइस भी नहीं बर्बाद करनी है, तो दैट विल बी ए ग्रेट लीप टू प्रिजर्व द फूड. लेफ्ट ओवर मीन्स बचा हुआ खाना. लेफ्ट ओवर फूड शुड बी दैट वी शुड नॉट वेट एज फस. लेफ्ट ओवर फूड एंड इट इज नॉट यूज्ड वी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट अदर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भोजन को बचाना सीखना है. और कहते हैं कि अगर भोजन नहीं तो भजन नहीं, यानी भोजन है तो आप पढ़ेंगे क्या, कुछ कर पाएंगे. नथिंग यू कैन डू, सो दैट यू हैव टू डू वेरी फास्टली. मैंने बता दिया लेफ्ट ओवर फूड मस्ट बी चेक्ड, नहीं होना चाहिए. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट इट, इसे हम बांटते. सो दैट बताया कि फूड इज गॉड, अन्नम परम स्वरूपम. तो बेटा आपको मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्यों हमें इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम जिनको खाना नहीं मिलता है खाना मिले और सबको भरपेट भोजन मिले, यही है रीजन. थैंक यू. सब्सक्राइब माय चैनल. बेस्ट ऑफ लक.